इसी के साथ देख लेते हैं द न्यूज इंडिया में उन खास खबरों को जो कि आप पर और हम पर करेंगी सीधा असर। टिकटॉक वीडियो बनाने की वजह से पवन नाम के 20 वर्षीय युवक की जान गई है। फिल्मी स्टाइल में हमेशा एक्शन फिल्मी स्टाइल में ये वीडियो बनाता था जो कि हैदराबाद के चंपापेट इलाके में रहने वाला था। इसके पिता का नाम राजू गीता का बेटा है पवन, जो कि कटकोनी कुंटा कॉलोनी का रहने वाला था, जिसने वीडियो बनाया और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि उसने वीडियो क्या बनाया था, तेलुगु की प्रसिद्ध मूवी है भद्रांचलम, उस पर एक एक्शन सीन है जिसमें अभिनेता श्रीहरि नदी के बीच में से भेड़ को बचाते हैं, बस यही सीन वो लोग शूट कर रहे थे और इसी सीन को शूट करते समय उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि अलमासगुड़ा राजीव गृहकल्प के निकट एक तालाब है, वहां पहुंचा और इसी वीडियो को शूट कर रहा था, लेकिन अचानक से तेज पानी में चला गया, उसे तैरना नहीं आता था, डूबने के चलते उसकी मौत हो गई है। पवन के दोस्तों ने तुरंत ये जानकारी दी, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, उसके शव को ढूंढकर निकाला गया और बाद में पोस्टमार्टम के बाद माता पिता के दे दिया गया है। पुलिस आगे की छानबीन कर रही है, साथ साथ लोगों से अपील की जा रही है कि टिकटॉक वीडियो एक वीडियो के बनाने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में ना डालें। एक वीडियो जितनी सस्ती नहीं है आपकी जान, सोच समझकर वीडियो बनाएं। खासतौर पर सभी युवा वर्गों से अपील की जा रही है, बच्चों से अपील की जा रही है कि टिकटॉक जैसे वीडियो बनाने के लिए कई बार वे बहुत रिस्की काम करते हैं जिसके चलते उनकी जान चली जाती है, कई बार हथियार का प्रयोग करते हैं, गन का प्रयोग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नदी में जाते हैं। तो सभी से ये विनती की जा रही है, खासतौर पर माता पिताओं से भी कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को समझाएं और महज वीडियो के लिए अपनी कीमती जान गंवा रहे हैं और वो भी सिर्फ छोटे छोटे रिस्क लेकर जान गंवा दे रहे हैं। तो सभी से अपील की जा रही है कि इस तरह के वीडियो ना बनाएं और इस वीडियो के चलते देखते ही देखते कई लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। टिकटॉक वीडियो बनाने के चलते ये पहली जान नहीं है जो गई है, इसके पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है।